सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक और कलाम जिसका मुझे हुक्म मिला, ये कलाम पेश कर रहा हूं मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़िए। मोहम्मद हमारे बड़ी शान आए, मोहम्मद हमारे बड़ी शान आए, मोहम्मद हमारे बड़ी शान आए। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आला हजरत फरमाते गए अलग हमारा नबी सच बालो, अलग हमारा नबी सच ओला, अलग हमारा नबी सच बालो, अलग हमारा नबी सच ओला, अलग हमारा नबी सच बालो, अलग हमारा नबी मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, ना खबर कितने तारे के न छुप गए, न डूबे न डूबा हमारा नबी, ना बदली न सुनो के गोती न की चंद बच्चे घर निकला हमारा नबी, मुल्क कौन ने अमिया ताजदा ताजदारों का आका हमारा नबी, हल्का से ओली ओली या फिर रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, चचा मकवा ने उजलों में चमका की अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, इनकी दो मुदे वो तेरो सलसबी हिंदु रहमत का दरिया हमारा नबी, अपने घर उम्मती को करेगा अदा आबे को सब का प्याला हमारा नबी, सारे ऊंचो से ऊंचा समझिए जिस इस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छा से अच्छा समझिए जिस इस सच्चे से अच्छा हमारा नबी, सारे रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मने मुस्तफा जिनके गातों में तुमको रोजे जजा और क्या चाहिए, हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए, आप जैसे गे में से अता चाहिए, करके झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए, आप जैसे गे में से अता चाहिए, करके झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, तुमको ये अता वो अता चाहिए, तुमको मालूम है गम को क्या चाहिए, आशिकान नबी के दिल की सदा, सबसे गुंबद के साए में घर चाहिए, कौन देता देने को मुँह चाहिए, हर सुन्नी हाथ उठाकर बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, हमारे बड़ी शान वाले के दो सुभान अल्लाह। कहा मजनू ने कोई मिसले लैला हो नहीं सकता, कहा फरहाद ने शीरी के जैसा हो नहीं सकता, जुलेखा ने कहा यूसुफ से अच्छा हो नहीं सकता, फिर गुलाम मुस्तफा बोला मगर सुन लो अरे मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आप भी मिलकर
पढ़िए मोहम्मद हमारे परेशान वाले मोहम्मद हमारे परेशान वाले यार मिलकर के दो सुभान अल्लाह मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं कर रहा हूँ आप मिलाद में आए हैं पर मेरा दिल बड़ा दुखता है जब नात में आवाज कम हो ना सुभान अल्लाह जी मुझे बड़ा दुख होता है कि यार हम लोग मोबाइल की तारीफ 10 मिनट करते हैं गाड़ी अच्छी लग जाए तो गाड़ी वाला चला जाए फिर भी हम तारीफों में ही लगे रहते हैं पर पता नहीं क्यों सुभान अल्लाह कहने में हमारी आवाज कम हो जाती है तो ये शैतान करवाता है कौन करवाता है शैतान या तो हम बोलते नहीं है खामोश बैठे रहते हैं और बोलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं पर आज आप शैतान का कलेजा फाड़ दो उसे बोलोगे हम वो सुन्नी नहीं है कमजोर या हमारी आवाजें कमजोर नहीं है हम तो नामे मुस्तफा पर कुर्बान होने के लिए बैठे हैं इतनी बुलंद आवाज से एक मर्तबा बोलो सुभान अल्लाह और जिसे शर्म नहीं आ रही वो दोनों हाथ बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह अब हर शेर के आखिर में आपने कहना है क्या होगा क्या कहना है क्या होगा हाँ और दोनों हाथ बुलंद करके कहना है अल्लाह ने कितने हाथ दिए दो शर्माना नहीं है नबी के नाम पे हाथ बुलंद करके कहना है जब गुस्नता उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा अनवार का आलम क्या होगा अनवार का आलम क्या होगा हर कोगे विदागे बिन देखे सोचो 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 दीदार का आलम क्या होगा हर को एक दागे बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा एक समत अली 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 सरकार का आलम क्या होगा जिस वक्त से खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा कदमों में जबी को रंगने दो चेहरे का तसव्वुर मुश्किल गए जब चांद से रोशन एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा अल्लाह वली सुभान अल्लाह क्या खूब है रोजे का नक्शा इस पार का जब ये आलम गए उस पार का आलम क्या होगा कह दो सुभान अल्लाह जब सुन्नी ना सुनता है तो ना सुनकर क्या कहता है ये काम सुन्नी करता है क्योंकि वो ना सुन के खुश हो जाता है नबी की मोहब्बत में झूम जाता है इसलिए सुभान अल्लाह कहता है और एक लोग दो हैं जो ना सुन के जिन्हें तकलीफ होती है ठीक है दो लोग एक खुश होते हैं दूसरों को तकलीफ होती है आज हमने ये साबित करना है कि हम ना सुनकर खुश होने वाले हैं और सुभान अल्लाह कहने वाले हैं इतनी जोर से कहना है हाथ बुलंद करके हाँ जब मैंने सुनाई नात नबी बापू जब मैंने सुनाई नात नबी सुन सुन हो गया सुनते ही मुनकिल अरे सुननी ने ना सुनी सुन कर क्या कहा और जोर से बोलो ऊंचा बोलो अब ये भी बोलो मोहम्मद हमारे या अल्लाह जिसकी आवाज बुलंद हो इन सादात का सदका आज खाली ना जाए और वो इसी रमजान में मदीने पहुंच जाए जो तेरे महबूब की नात में अपनी आवाज बुलंद करे उसके लिए ये दुआ है मोहम्मद हमारे ले जो 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 आका को माने वो रहमान वाले जो इनको न माने जो दा
दाता को न माने, जो ख्वाजा को न माने पक्के शैतान वाले। फिर लगाते हैं नारा बापू आपकी सजाई हुई महफिल में ईमान वाले। ईमान वाला दोनों हाथ बुलंद करके बोलेगा मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले।